तू आपके बारे बना। में इंटरेस्टिंग क्या है? मेरे बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने इंटरेस्टिंग मैं टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ और ओ भाई मारो मुझे मारो। हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं दुआओं का असर बहुत होता है। जहाँ इंसान हार जाता है वहाँ दुआएं काम आती हैं। ये चौधरी परिवार की दुआओं का ही असर है कि कुछ साल पहले उनके परिवार से एक इंसान चला गया था। आज विवेक, खुशी, उनकी फैमिली और उनके फैंस की प्रार्थनाओं की वजह से वही इंसान एक नन्हे से रूप में उनके परिवार में फिर आ गया। इसके अलावा ये बच्चा निशानी है विवेक और खुशी की सक्सेसफुल लव स्टोरी का। जब विवेक के बेटे का जन्म हुआ तो विवेक और उनकी फैमिली बहुत इमोशनल हो गई थी। और अगर आपने भी राजा इज बैक वाला वीडियो देखा है तो आपकी आंखों में भी आंसू जरूर आए होंगे। भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे खुशी और विवेक की प्रेम कहानी की और बताएंगे कि ये लोग नेचर वाइज भी बहुत प्यारे हैं। चलिए सबसे पहले खुशी और उनकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। खुशी का जन्म 9th ऑफ दिसंबर 1996 में जालंधर पंजाब में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। खुशी की फैमिली में उनके मॉम डैड हैं, इनके अलावा खुशी की एक सिस्टर और दो भाई हैं। खुशी के पापा एग्रीकल्चर का काम करते हैं और उनके भाई जॉब करते हैं। खुशी के घर वाले हमेशा खुशी को रज्जू कहकर बुलाते हैं। खुशी बचपन से ही क्यूट और खुशदिल लड़की रही हैं। खुशी का बचपन में सपना था कि वो डांस इंडिया डांस और सारेगामा पा में परफॉर्म करें, क्योंकि खुशी को डांस और सिंगिंग का शौक था। बात करें खुशी के एजुकेशन की तो उन्होंने पंजाबी मीडियम स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई की और पंजाब की ही एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। वो ग्रेजुएशन में रेगुलर कॉलेज नहीं जाती थी, उन्होंने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया है क्योंकि वो 12th तक की पढ़ाई पूरी करके मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए दिल्ली आ गई थी। दिल्ली आकर खुशी ने एयरपोर्ट पर जॉब की। खुशी बताती हैं कि मेरी पहली सैलरी 22,000 रुपये मिली थी, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हुई थी। खुशी पंजाबन जॉब के साथ साथ मॉडलिंग भी कर रही थी। खुशी के मॉडलिंग करियर की पहली सफलता 2018 में मिली। 2018 में खुशी ने मिस्टर एंड मिसेज नॉर्थ मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल का खिताब अपने नाम किया। उसके बाद भी खुशी ने कई खिताब जीते। अभी खुशी का बेबी हुआ है इसलिए थोड़ी सी अलग दिख रही हैं, लेकिन वो जल्द फिट होकर मॉडलिंग में वापसी करेंगी। चलिए दोस्तों, इनकी लव स्टोरी जानने से पहले विवेक और उनकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। विवेक का जन्म 8th ऑफ जुलाई 1994 को उत्तराखंड के रुड़की के गणेशपुर में एक जाट फैमिली में हुआ था। विवेक की फैमिली में उनके मॉम डैड हैं। मॉम डैड के अलावा उनकी फैमिली में विवेक की एक सिस्टर भी हैं। विवेक के पापा का नाम महिकार सिंह है, माँ का नाम अनीता चौधरी है और इनकी सिस्टर का नाम निशी चौधरी है। जैसा कि हमने आपको विवेक के भाई के बारे में बताया, विवेक के भाई का नाम राजा चौधरी है। राजा अपनी मॉम डैड के लाडले तो थे ही, साथ ही वो अपने भाई बहन के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। पर चौधरी परिवार में एक ऐसी घटना घटी जिसने इन सबकी खुशियां छीन ली। 3 साल पहले राजा भैया को डेंगू हो गया था। चौधरी परिवार ने बहुत कोशिश की, फिर भी वो राजा भैया को नहीं बचा पाए। राजा भैया तो चले गए, लेकिन उनकी यादें कहाँ जाने वाली थीं। विवेक के मॉम डैड को राजा भैया के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिससे वो अब 3 साल बाद बाहर आ पाए हैं। क्योंकि जैसे ही खुशी प्रेग्नेंट हुई तो उनकी फैमिली ने ये प्रार्थना शुरू कर दी थी कि उनके राजा चौधरी वापस आ जाएं। भगवान ने उनकी सुनी और राजा भैया को नन्हे से रूप में उनके घर भेज दिया। राजा भैया का रूम हमेशा से ही उनका रहा है, जो अब खुशी और विवेक के बेटे राजा चौधरी को दे दिया जाएगा। विवेक के लेफ्ट हैंड पर एक टैटू है जिस पर राजा भैया लिखा हुआ है। बात करें विवेक की सिस्टर निशी चौधरी की तो वो एक टीचर हैं। उनके हस्बैंड नितिन चौधरी भी एक टीचर हैं। उनका एक बेटा है जो अक्सर व्लॉग वीडियो में दिखाई देता है। उनके बेटे का नाम यथार्थ चौधरी है और निकनेम यूवी है। यूवी रुड़की में ही रहते हैं अपने नाना नानी के पास और यहीं से वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बात करें विवेक की एजुकेशन की तो उन्होंने रुड़की से ही अपनी स्कूलिंग की है। स्कूलिंग के बाद उन्होंने बीएससी, एमएससी फिर बीएड कर रखा है। विवेक की फैमिली में भी एग्रीकल्चर का काम होता है
और विवेक भी बैंक में जॉब करते थे। विवेक की पहली सैलरी 10,000 रुपए थी, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुए थे। जॉब के साथ साथ विवेक भी कंपटीशन में जाया करते थे। 2018 में विवेक को मिस्टर उत्तराखंड चुना गया। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं खुशी और विवेक की लव स्टोरी के बारे में। खुशी और विवेक की मुलाकात एक ब्यूटी प्रेजेंट में हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, विवेक मिस्टर उत्तराखंड रहे। खुशी ने जिस ब्यूटी प्रेजेंट में हिस्सा लिया था, विवेक उसी इवेंट में जज थे। विवेक के एक दोस्त थे जो खुशी को जानते थे, तो 30 जून 2018 को उसी दोस्त ने विवेक और खुशी को इंट्रोड्यूस कराया। वो मुलाकात बहुत नॉर्मल थी, उन्होंने नहीं सोचा था कि वो इसके बाद मिलेंगे। उसके बाद खुशी फिर से मिस्टर एंड मिस रुड़की के लिए रुड़की आई हुई थी। खुशी वहाँ किसी को नहीं जानती थी, पर इत्तेफाक से खुशी ने विवेक को देखा और विवेक से बात की। विवेक ने खुशी को कुछ वॉक और प्रेजेंट करने के टिप्स दिए। फिर उसी इवेंट के बाद विवेक ने खुशी से बोला कि हील उतारो और मेरे बगल में खड़े हो जाओ। तभी खुशी को समझ आ गया था कि शायद विवेक उन्हें पसंद करने लगे हैं। उसी दिन विवेक की मम्मी की मुलाकात खुशी से हुई। विवेक की मम्मी को खुशी बहुत पसंद आई और खुशी को भी विवेक की मम्मी बहुत अच्छी लगी। इसके बाद खुशी वापस चली गई, लेकिन एक दिन खुशी के पास उनकी एक फ्रेंड का मैसेज आया कि तुमसे कोई बात करना चाहता है। खुशी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो विवेक होंगे, लेकिन जैसे ही उनकी फ्रेंड ने विवेक की फोटो भेजी, खुशी बहुत सरप्राइज और खुश हुई। इसके बाद खुशी और विवेक ने रेगुलर बात करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ विवेक ही नहीं, विवेक की मम्मी भी खुशी से काफ़ी बात करती थी। कुछ महीनों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो खुशी ने विवेक की एक फ़ोटो अपने मम्मी पापा को भेजी, जिसे देखकर खुशी के मम्मी पापा भड़क गए। उन्होंने बोला, ये देखने में गुंडा टाइप लग रहा है और ये हमारी जात का भी नहीं है। खुशी के घर वालों ने लड़का रिजेक्ट कर दिया। फिर खुशी ने डिसाइड किया कि वो विवेक को अपने मम्मी पापा से मिलाएंगी। जब विवेक खुशी के घर वालों से मिले, तो कहानी ही पलट गई। खुशी के घर वालों को विवेक बहुत पसंद आए। फिर क्या था, 28 जनवरी 2019 को दोनों परिवारों ने मिलकर पंजाबी रीति रिवाज से खुशी और विवेक की शादी करवा दी। खुशी अपने शादी के पहले से ही टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी। शादी से पहले की बात है, जब खुशी और विवेक मिले, तो खुशी ने विवेक के साथ मिलकर वीडियो बनाई और टिकटॉक पर पोस्ट कर दी। वो वीडियो वायरल हो गई। वो वीडियो इतना वायरल हुई कि खुशी के मायके में उनके पड़ोसी तक पहुंच गई। उस पड़ोसी ने वो वीडियो खुशी की माँ को दिखाई। फिर खुशी की माँ ने खुशी से बोला कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ये वीडियो डिलीट कर दो। उस वीडियो के वायरल होने से खुशी समझ गई थी कि विवेक उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं। शादी के बाद खुशी और विवेक रेगुलर वीडियो डालने लगे, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तेज़ी से ग्रो हुई और आज उन्हें हर कोई जानता है। टिकटॉक तो बैन हो चुका है, पर इनका मिस्टर एंड मिसेज चौधरी नाम से यूट्यूब चैनल है, जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और इनका हर वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में जाता है। खुशी और विवेक की फैमिली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर ये परिवार सिखाता है कि बहू को बेटी समझना चाहिए और सास ससुर को माँ बाप। परफेक्ट कोई नहीं होता, बस अपनों के साथ खुश रहने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि छोटे राजा चौधरी और उनके मम्मी पापा की कहानी आपको कैसी लगी, और कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम प्रे करते हैं छोटे राजा चौधरी उनके परिवार में और ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। हाय गाइस, मेरे हस्बैंड का पीछा कर लो प्लीज। अबे पीछा नहीं, वो फॉलो होता है, फॉलो कर लो, फॉलो कर लो प्लीज। ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे तो कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले लो, तुम ले लो। देखने जा, ये मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रही है। तुझे क्या हुआ? तूने तो बोला था बाहर पुलिस वाले मुर्गा बना रहे, वही लेने के लिए गया था। भाई साहब, सेकंड हैंड घरवाली निकालिए। बीबी हो बीबी की तरह रहो, बाहर निकल, आज तो हम टंगरी तोड़ कर रखते हैं, निकल बाहर। भैया भाभी आ रही है। आ रही है।
वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें।